हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अभी अभी जॉब से निकले हैं घर बाहर। सीट बेल्ट लगा लें, जरा गाड़ी स्टार्ट करें, शीशे नहीं छकें ताकि थोड़ी गाड़ी से गर्मी बाहर निकले। आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, जैसे आप लोग मेरे करीब में देख सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप ये देखें आज ऊपर। आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ, सुबह से सूरज निकला नहीं है, तो सूरज ना निकलने की वजह से कि आज ज़बरदस्त इंटरटेनमेंट हुई हुई है। तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, क्योंकि मैंने जब लंच लिया, जिस वक्त मैं लंच पे निकला उस टाइम बारिश हो रही थी। मैंने सोचा पहले मैं रिकॉर्ड करता हूँ, बट फिर ये हुआ कि वो बारिश तेज थी, या मैंने कहा यार कि बारिश में तेज बाहर आके खाली इसको रिकॉर्ड करना आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो चले अब आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी ये कि मैं जा रहा हूँ, रस्ते से एक छोटा सा काम है, वहां रुकना है। मैंने वो जो एक मैंने आपको दिखाया था टर्किश मार्केट है यहाँ पे, बड़ी जबरदस्त, तो उधर रुकना है। एक चीज देखनी है वहां से, अगर मिल गई तो वो पिक करेंगे, नहीं मिली तो सीधा घर। हाँ जी, यहाँ पे तो मैं टर्किश स्टोर में आया था, जो चीज़ मुझे लेनी थी वो यहाँ आई नहीं। तो अब यही है कि इधर से निकल के वापस जाते हैं और घर की तरफ ही जाएंगे। लेने आया था, कुछ मिला नहीं, वो कहते हैं कि है नहीं, अब नहीं है तो क्या करें, वापस चलते हैं। वापस। उप्स, एक गड्डी में आगे बैठ गए हैं। यहाँ पे एक पेस्ट्री मिलती थी, बड़ी मज़ेदार होती है, ये टर्किश स्टाइल की पकी भी होती है, बड़ी मज़ेदार होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। तो मैंने खाई थी एक जगह पे, तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा यार ये ली कहाँ से, तो उसने मुझे बताया, वो मेरा फ्रेंड जो है वो अरब कंट्री से है, तो उसने मुझे बताया कि यार इस तरह से जो टर्किश मार्केट है, मैं आता ही रहता हूँ, तो उसने कहा यार वहाँ जाओगे वहाँ तुम्हें मिल जाएगी। शीशे नीचे करते हैं, क्योंकि सुबह तो बारिश हुई है, लेकिन बारिश के बाद आपको पता है कि अगर बारिश रुक जाए और हवा चलना शुरू हो जाए तो ठीक है, नहीं गर्मी हो जाती है। अब चलें घर की तरफ चलते हैं और फिर मैं मिलता हूँ वहाँ पहुँच के आप लोगों से। अभी ज़रा यहाँ से बाहर निकलेंगे हम। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू होम। फाइनली घर आ गया हूँ मैं, बस रस्ते में वहाँ रुका था स्टोर पे, मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ से कुछ लेना था, नहीं मिला। ये भी जबान निकाल के खड़ा हुआ है कि भाई पानी दे, कैसे भी बैठा हुआ रेडी है बिल्कुल। लेकिन आज का ये कि प्लान थोड़ा सा इस तरह का है कि मैं अभी घर तो आ गया हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को कल बताया था वीडियो में कि कल मैं घर के काम था इसलिए थे, क्योंकि मुझे बाहर जाना था। तो अब बाहर जाने के लिए यही है कि मैं अभी बस हाथ में धोऊंगा, फ्रेश होऊंगा, उसके बाद बाहर जाऊंगा। फिर यह कि आज से थोड़ा सा एक्सरसाइज भी स्टार्ट करनी थी, मैं जिम जाया करता था पहले, फिर थोड़ा सा बिजी होने की वजह से रुक गया। तो अभी ये कि पहले बाहर जाएंगे, एक दो काम हैं उनको करेंगे, उसके बाद फिर घर आएंगे, पहले सॉरी लियो को खाना देंगे, फिर बाहर निकलेंगे, वापस आएंगे, फिर जिम जाएंगे। तो पहले ये कि फ्रेश हो लेते हैं, फिर अपने बाकी काम करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, बाहर से मैं होके आ गया था। बाहर मैंने आपको बताया एक छोटा सा काम था, बस उसके लिए मैं गया था, ज़्यादा कोई मुझे कोई इतना काम तो करना नहीं था, तो बस वो काम हम अपना किया है, फ्री होके आ गया था। लियो को भी मैंने खाना दे दिया था, गर्मी की वजह से इसका भी बहुत बुरा हाल है। तो आज का ये था कि आज एक टास्क है, क्योंकि जिधर मैं रहता हूँ ना, वहाँ पर हमारे एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो जो हमारा जो पीछे आप कह लें कि बैकयार्ड, एक छोटा सा स्मॉल सा पेटियो टेरिस टाइप का बना हुआ है, उधर मैंने कुछ सामान रखा हुआ था, जैसे कि आप ये देख सकते हैं वीडियो के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। तो जो हमारे मैनेजमेंट ऑफिस है, उन्होंने मुझे जो था नोटिस दिया हुआ था कि जी आप इसको थोड़ा सा सामान को हटा लें, क्योंकि हम लोगों को पीछे जो है टेरिस में थोड़ा सा काम करना है। तो अभी के लिए यही है कि मैं आज कुछ और तो नहीं करूंगा, क्योंकि मे बी वो लोग कल सुबह आ जाएं काम करने के लिए, परसों आ जाएं, कुछ पता नहीं है उन लोगों का, तो वो अचानक ही आते हैं। तो अभी के लिए यही है कि मैं अभी बालकनी से सामान वामान कुछ निकालूंगा, थोड़ा सा अपने रूम में ट्रांसफर करूंगा, और कुछ जो सामान है मेरे पास, एक मैंने आप लोगों को बताया कि स्टोरेज रेंट किया हुआ है, कुछ मैं वहाँ ट्रांसफर करूंगा। तो ये सारा काम किया अभी इसको करते हैं, ताकि ये कि बाहर तो जाते ही रहते हैं, लेकिन ये कि अभी ये काम इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो लोगों ने मुझे कहा था कि आप इसको थर्सडे से पहले कर लें, तो टुमारो वेंसडे है, लेकिन ये कोशिश करूंगा मैं अभी कर लूँ। तो लियो भी ये मेरे साथ बैठा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ये कोई भी काम करने की आप कोशिश करो तो उसके अंदर जो है ना वो रुकावट बनने का जो है ना ये किरदार अदा करता है। तो मैं अभी चाय पी रहा था, तो ये इसने शोर डाला हुआ था कि भाई मुझे खोलो, तो मैंने इसको खोल दिया। अब ये बैठा हुआ है कि किसी तरह मेरा पाँव इसके करीब जाए तो फिर इसके साथ मस्ती करें। और कैस्पर भी एज़ यूजुअल अपने पिंजरे के अंदर है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। कैस्पर हमारा ये है कि ये बोलता है, बातें करता है, लेकिन बड़ा मूडी बर्ड है। इसका जब दिल करता है तो सब कुछ करेगा, जब नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं करेगा। लियो, हे, कारपेट के साथ क्या कर रहा है बैठा हुआ, खोता। आप लियो का साइज़ देख सकते हैं, अच्छा खासा इसका साइज़ है, अच्छा खासा ह्यूज जायंट डॉग है ये। अब ये अलास्कन मैलाम्यूट है इसकी ब्रीड, और ये इस वक्त सिर्फ 18 मंथ्स ओल्ड है, और 18 मंथ्स के अंदर भी जो इसका हाल है इस वक्त, ये एक स्टैंडर्ड साइज का जर्मन शेफर्ड होता है ना, उससे भी कई गुना बड़ा है। जो उन लोगों ने इसकी पुरानी वीडियोज़ अगर देखी हुई होंगी, मेरे टिकटॉक पर मैंने डाली हुई है, यूट्यूब पर तो इसकी पुरानी वीडियोज़ इतनी मैंने नहीं डाली हुई, इसके मैंने बाल काटे में। तो इसके लिए भी एक मैं मशीन लाया था। लियो, स्टे अवे फ्रॉम मी,
ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक मेरे पास मशीन है यहाँ पे जो कि मैंने रखी हुई है कहाँ मैं आई थिंक से यहाँ क्लोजेट में मेरे पास नहीं, यहाँ भी नहीं, कहाँ गई, ओ किधर गई, ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये वैक्यूम है, इसकी इसके वैक्यूम प्लस ट्रिमर है, ये मैंने मंगवाया था अमेजोन से। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको अपने डॉग को ग्रूमर के नहीं लेके जाना पड़ता। आप जैसे ये देख सकते हैं मेरे पास इसके तमाम अटैचमेंट्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये मैं कैसे यूज़ करता हूँ ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल मैं जो मेन फोकस है वो काम है जो मुझे करना है, क्योंकि आज का ही दिन है मेरे पास, कल, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको पता है यहाँ की लाइफ और पाकिस्तान की लाइफ हमारी थोड़ी सी चेंज है। इधर यह है कि आप अपने आपको सब कुछ खुद करना है, ना आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर है, ना कोई किसी किस्म की हेल्प है, तो प्रेटी मच ये है कि जो भी आपको करना है आपने खुद करना है। तो अभी ये कि मैं टेरेस से सारा सामान सामान निकालता हूँ, जो घर में रखने वाला है घर में रखेंगे, जो एक्स्ट्रा उसको बेसमेंट में लेके जाएंगे, कैस्पर का केज है मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ उसको नीचे लेके जाएंगे। तो चलें अभी टेरेस की सफाई पहले शुरू करते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, बाकी के काम फिर बाद में करते हैं। फ्रेंड्स, बालकनी से मैंने सामान निकाल दिया, ये आप देख सकते हैं ये कैस्पर का एक एक्स्ट्रा स्टैंड था, ये मेरा समुद्री नमक है, मैंने एक टाइम पे फिश टैंक रखा हुआ था, सॉल्ट वाटर में अपना पानी खुद बनाता था, ये एक एक्स्ट्रा केज है, ये सामान सारा जो है ये स्टोरेज में जाएगा। और वो जो स्टूल मैंने रखा हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा प्लान है इस टेरेस को थोड़ा सा इसमें घास वास लगाएंगे, खूबसूरत सा करके रखेंगे, ताकि कि हम लोग शाम में कभी चाय शाय पीने का आपका मूड हो, आगे मौसम भी अच्छा है फिलहाल, तो बैठने का तो बंदा यहाँ बैठ जाए। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो चुका है, बस ये थोड़ा सा ट्रैश है ये मैं फेंक दूंगा, चप्पलें हैं क्योंकि हम बाहर यूज़ करते हैं, ये लियो का खाना है क्योंकि लियो बाहर ही खाते हैं क्योंकि पानी बहुत गिराता है, तो ये क्लीन हो चुका है। तो इसको क्लीन करने के बाद कैस्पर बैठा देख रहा है, कैस्पर परेशान हुआ है, कैस्पर कह रहा रॉजर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा कैस्पर, सामान इधर उधर जा रहा है। लियो को मैंने पिंजरे में बंद कर दिया था क्योंकि वो क्या कर रहा था, मैं चीज़ें उठा रहा हूँ तो वो भी हेल्प कर रहा है, मुँह से उठा रहा है, बाल्टी में उठा रहा हूँ तो बाल्टी को उठा रहा है, चीज़ों को पकड़ रहा है। तो मैंने कहा भाई आपकी हेल्प नहीं चाहिए, मैं कर लूँगा खुद, क्योंकि वो काम करता नहीं, काम बढ़ाता है। तो अभी सारे सामान को स्टोरेज में जा कर रखता हूँ मैं, स्टोरेज में रखने के बाद ये कि फिर वापस ऊपर आता हूँ और फिर मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैं एक हॉन्टेड सी जगह पर आया हूँ, हॉन्टेड सी नहीं है, ये मेरा स्टोरेज है, स्टोरेज के अंदर मैंने भी अपना सारा सामान रखा है। सामान रखने के बाद मैंने सोचा मैंने कहा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो सारा सामान हमने स्टोरेज के अंदर रख दिया है और ऊपर का ऊपर रहेगा। तो ये एक स्टोरेज है जो मतलब जब आप यहाँ पे आपने घर लिया होता है तो आपको स्टोरेज छोटा सा मिल जाता है, तो अपना सामान मैंने अंदर रखा हुआ है, सामान यहाँ का रख चुका है, वापस घर की तरफ जाते हैं। नीचे का सामान नीचे चला गया है, ये दो चीज़ें मैं टेरेस में रखूंगा क्योंकि एज यूजुअल कभी कोई चीज़ भारी लाता हूँ तो ये डॉली मेरे काम आती है, और ये जो है मेरा ये चेयर जो है ये भी टेरेस के अंदर ही रखनी है, तो इस वजह से मैंने इनको बाहर नहीं निकाला, गेमिंग रूम में अपने मैंने इसको रख दिया, ये जासूसी करता फिर है मेरे साथ साथ। तो ये सब सामान हो चुका है और अब ये कि लियो को मैंने बंद किया था, जैसे मैंने आपको बताया तंग कर रहा था, तंग काम नहीं करने दे रहा था, तो टेरेस भी रेडी हो चुका है, लियो खाना खा चुका है, कैस्टर फ्री हो चुका है, कटोरी फ्री हो चुकी है, अब बची बारी मेरी, मैंने खाना है। तो वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं फ्रेंड, आज जैसा कि ये मैंने आपको बताया था आज बस ये काम मेरा इंपॉर्टेंट था मोस्ट, क्योंकि मुझे ये करना था क्योंकि मेरे पास टाइम है सिर्फ कल का, और आई डोंट नो मे बी वो लोग कल आ जाए करने के लिए। तो चलिए वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें, और मिलता हूँ मैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।